सुबह सुबह उठ के ना हर चीज प्रोसेस गुड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है हमको। मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज का मौसम भी बहुत प्यारा है। यार सबसे पहले आज हम करेंगे क्या एक्सरसाइज। हमने घर में कर रही है पूजा जिसका घंटी बज रहा है। एंड हम जा रहे सबसे पहले योगा एंड एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे क्योंकि कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हमको, उस चक्कर में हम बहुत लेट से किए थे योगा। बस भिंडी एक आई लव, मतलब हमको भिंडी अच्छा लग रहा है बट उतना भी नहीं कि अब बस हम भिंडी खाएं। एक्चुअली हम ना 15-20 साल तक भिंडी नहीं खाए, बचपन से आज तक भिंडी नहीं खाते थे क्योंकि हमको पसंद नहीं था। लेकिन फिर हम इस साल से सोचे कि हर चीज़ ट्राई करेंगे, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए हम भिंडी खाना शुरू कर दिए। बट आज सिर्फ भिंडी बनाया, मतलब आलू वगैरह होता साथ में तो ठीक भी लगता है, पर बस भिंडी। एंड हम सोचे हमको अच्छा नहीं लगा बट ये सब्जी इतना टेस्टी लगा कि हम दोबारा भी मम्मी से पूछे यार एक्स्ट्रा तो हम खा ले क्या। मम्मी का सब्जी सारा टेस्टी होता है इसलिए भिंडी भी मेरा फेवरेट हो गया, सोच सकते हो। मेरा भाई इतना बदमाश है ना, हम अपने लिए पेन खरीद के लाए थे एग्जाम से पहले और अभी उसके पास ना, हम ना ऐसा पेन अपने लिए 2 लाए थे, एक विन का लाए थे और ऐसा ही ब्लैक पेन लेके आए थे, ठीक है। तो अभी मेरा ब्लैक मिल नहीं रहा था ब्लैक पेन, तो वो लिख रहा था, हम बोले तो ये मेरा पेन है, तो बोले नहीं मेरा पेन, हम 3-4 दिन से लिख रहे हैं। हम बोला अभी हम खरीद के लाए थे, तो नहीं हम 3-4 दिन से लिख रहे हैं। फिर आगे मेरी छोटी बहन आई बोली कि नहीं इसी का पेन है, यही लेके आई थी। तब जाके उसको विश्वास, कुछ हमसे कब लाई थी, हम बोले मेरे पास रिकॉर्ड भी किया हुआ है, हम दिखा देंगे, तब उसको विश्वास। हम बदमाश है ना, कोई भी पेन लेके आओ कुछ भी लेके आओ ले लेते हैं, बहुत बदमाश होता है ना। तो उसके एक दिन पहले तबियत खराब होने लगता, पता नहीं क्यों, कल मेरा एग्जाम है और हमको एकदम चक्कर सारा नहीं पढ़ेंगे तो फिर रात में हमको बहुत रोना आएगा। सो एंड देन हम पढ़ाई शुरू किए, नोट्स तो हम पहले ही बना लिए थे तो इसको बस हमको एक बार रिवाइज करना था, मतलब रीड करना था, तो हम रीड कर रहे थे और याद कर रहे थे सब। इतना मतलब दिमाग ख़राब होता है ना क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं कि क्या आएगा और बस खुद से बना के पढ़ना पड़ता है, तो बस बना लिए जो भी हमको समझ में आया जितना भी, और वो पढ़ रहे थे। और बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन होता था, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, बट फिर भी अच्छे से पढ़े सारा और थोड़ा चक्कर आने लगा तो फिर सोचे हम पहले उठ के खा लेते हैं। 1 घंटे या 1.5 घंटे हम कंटिन्यू बैठ के पढ़ रहे थे बट थोड़ा सा अजीब लगने लगा। सोल ऑफ पोएट्री एंड इट इज कैन इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड द अपोजिट ऑफ एरिस्टोटल। हमको ना चक्कर चक्कर सा बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए अभी 2 बजने वाला है तो हम सोचे पहले खाना खा लेते हैं, फिर पढ़ाई करेंगे। खाना खा लेंगे तो क्या पता चक्कर ना आए। एंड दिस इज़ माई लंच, ये आलू और बड़ी का सब्जी, दाल और चावल, बहुत टेस्टी लगता है। फिर हम लोग सब साथ में बैठ के खा रहे थे, दी और भाई नहीं खा रहे क्योंकि उस टाइम वो लोग आराम कर रहे। अभी मेरी बहन बता रही थी कि 1-2 दिन पहले एक मीम आ रहा था जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा था कि हनुमान जी सूर्य को खाने का समय आ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा था, और हमको लगता सही में हनुमान जी खा लिए, नहीं तो सूर्यदेव डर गए कि भक्त लोग हनुमान जी से सहायता मांग रहे। इसलिए 2 दिन से गर्मी एकदम कम, मतलब एकदम कम, बिल्कुल भी नहीं। 2 दिन तो आप लोगों को दिखाएं कितना सुहाना मौसम था,
और आज का मौसम भी काइंड ऑफ सुहाना ही है। कमजोरी हो गया था हमको इसलिए ऐसा फील हो रहा था, बट अब खाना खा लिया तो हम सोच रहे जाके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर से शुरू कर देते हैं। हम दोपहर में सो गए थे थोड़ी देर के लिए और उस टाइम मेरा 128 सब्सक्राइबर था, अभी उठे तो मेरा 131 सब्सक्राइबर हो रही है। बहुत अच्छा लगा ये देख के कि हम लोग दूध वाले इतना पागल है ना, वो ना एक दिन दूध देता है एक दिन नहीं, एक दिन देता है एक दिन नहीं, गुस्सा आ गया। मम्मी बोली अब दूध छुड़वा देंगे। अभी सो के उठे, सोचे कि जाके चाय पियेंगे थोड़ा, देख रहे किचन में दूध ही नहीं है। अब हम और अंशु निकल गए दूध लेने के लिए, अब पहले दूध लेके आएंगे तब जाके चाय पियेंगे। और इतना अच्छा मौसम हो रहा है तो छत पे भी नहीं जा सकते। कितना सुंदर लग रहा ऊपर का, है ना? तुम्हारा फेस भी सुंदर लग रहा है। अच्छा, ये हम लोग अभी इधर पे वॉक कर रहे हैं। ये एरिया जो है ना, ये वॉक करने वाला ये एरिया है जो है ना। अभी हम और अंशु बात कर रहे थे अपनी कलाई को लेके, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा पतला ये कह रही थी और इसका थोड़ा मोटा। फिर हम लोग लंबा चौड़ा वॉक किए और वॉक करते करते हम लोग को पानी पूरी खाने का मन किया, लेकिन हम लोग जहाँ जहाँ भी गए वहाँ पे ना कोई ग्लव्स वाला था ना पानी पूरी वाला था, तो हम लोग को लास्ट में अपने ही गली में आके खाना पड़ा। बहुत टेस्टी खिलाता ये भी। मेरा भाई ना मम्मी के साथ अभी मार्केट गया था और वो स्कूटी में अपना चाबी लगा हुआ छोड़ दिया, अब घर में जाके उससे हम लेंगे बदला, नहीं उसको करेंगे परेशान। एंड हम ऐसे चाबी लेके जाते ताकि उसको परेशान करें, बट बेचारा बहुत थका हुआ था, दो झोला सब्जी लेके आया था, मम्मी मार्केट से सब्जी लेने गई थी तो बहुत थक गया था वो, इसलिए उसको ज़्यादा परेशान नहीं किया, बस ऐसे ही छोड़ दिया। एंड हम वॉक से आके फ्रेश हो गए और अब हम पी रहे चाय। एंड चाय पीते पीते हम जा रहे थे पढ़ाई भी करने, क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो पढ़ाई करना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आई गॉट 132 सब्सक्राइबर, आज मेरा सब्सक्राइबर 25 से 32 हो गया, जो कि हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करते रहेगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कल सुबह मिलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। बाय बाय।